आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे देसी फिटनेस कोच चैनल पे। मैं हूं अयूब हाशमी। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप अपने बॉडी की कैलोरीज कैसे काउंट करेंगे, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वजन बढ़ने और कम होने का सीधा सीधा संबंध कैलोरीज बर्न से होता है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो कैलोरीज को कम ज़्यादा करके भी आप वज़न कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए कैलोरीज क्या है, वज़न बढ़ाने या कम करने के लिए कैलोरीज इनटेक कितनी होनी चाहिए, ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बॉडी वेट के हर 1 kg में हर घंटे 1.3 कैलोरीज की आवश्यकता नॉर्मल वर्क करने के लिए होती है। इट मींस 1.3 कैलोरीज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स, जो कि आंसर हमारा आएगा 31.2 कैलोरीज। अब आपको करना है तो ये कि इस 31.2 को अपने टोटल बॉडी वेट, ठीक है, जो आपका टोटल बॉडी वेट है उससे आपको क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मेरे बॉडी का वेट है 65 kg, मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 31.2 से, तो मेरा कैलोरीज जो पर डे का आएगा वो लगभग 2000 कैलोरीज आया है। ये आपकी बॉडी की बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट है। बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर हम दिन भर में सिर्फ नॉर्मल खाते पीते टहलते हैं तो हमारे बॉडी की कम से कम इतनी 2000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। अब आपको करना है तो ये, आपको बस इस 2000 कैलोरीज पर ध्यान रखना है कि आपको अगर वज़न कम करना है, आपको वेट लॉस करना है, तो ये 2000 कैलोरीज आप क्या कर देंगे, 1600 से 1800 कर देंगे। आपको पर डे 1600 से 1800 कैलोरीज ही लेनी है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको क्या करना है, ये 2000 कैलोरीज को क्या कर देना है, 2200 से 2500 कैलोरीज कर देना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी जो बॉडी इनटेक करती है वो आप बढ़ा या घटा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कैलोरीज लेंगे उतना आपके बॉडी का वेट बढ़ेगा, और जितनी कम कैलोरीज लेंगे आपका बॉडी मेंटेन उतना ही रहेगा। बट ध्यान ये रखिए कि 1-2 घंटा का वर्कआउट कर रहे हैं पर डे, तो आपको चाहिए कि वो 2000 कैलोरीज में से 850 कैलोरीज और ऐड कर दें, क्योंकि हमारी बॉडी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी और ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी खास लगा होगा और कुछ नई चीज़ें आपको बातें इसमें पता लगी होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।